एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल. सो आई एम व्लॉगिंग टुडे और अभी शाम हो रही है, 6 बज गए हैं. विक्की जस्ट अभी नीचे गया हुआ है तो वो बाय स्टेयर गया है, कुछ सामान आया है हमारा तो वो लेने के लिए और स्टेयर से ही आएगा, तो अच्छी खासी एक एक्सरसाइज हो जाती है. और आज मैं आपको ना बाहर का वेदर दिखाती हूँ. बाय द वे आई एम व्लॉगिंग विथ माई दूसरे कैमरा से, तो डू लेट मी नो द क्वालिटी कि आपको क्वालिटी कैसी लग रही है. आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि मुझे क्या सेटिंग्स रखनी है, क्या करना है वैसा, बट बाय फार अभी जो मैं स्क्रीन पे देख पा रही हूँ उससे तो मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है. एंड साथ ही साथ आई बॉट न्यू माइक एज वेल, सो डू लेट मी नो आपको वॉइस क्लैरिटी कैसी लग रही है. सब ठीक तो है ना, मतलब जैसा चलता आ रहा है वैसे ही है ना. सो अभी मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ. बहुत सही बादल वादल हो रखे हैं. बाय द वे आज ऐसा फोरकास्ट था कि आज बारिश होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मुंबई तरफ तो बारिश हुआ है, मतलब जो अंधेरी बांद्रा साइड है ना वहाँ थोड़ा बारिश हुआ है. बढ़िया थाने में बारिश नहीं हुआ है. अलीबाग में भी हमने सुना है साइक्लोन का जो असर है वो हुआ है. साइक्लोन आने वाला था. इन शॉर्ट बताती हूँ तो मैं आपको क्लाउड्स दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है. एंड आई एम लिटरली वेटिंग कि यहाँ पर मैं बारिश देख सकूँ, क्योंकि यहाँ पर बारिश का जो व्यू आएगा ना फाड़ू आने वाला है, मतलब माइंड ब्लोइंग टाइप का व्यू आने वाला है. कितना ब्यूटिफुल लग रहा है. इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल. लग तो रहा है कि बारिश आएगी बट कुछ कह नहीं सकते. माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं और उसके उधर पे पूरी क्रीक है, मतलब इस बिल्डिंग के पीछे क्रीक है. तो वो हमको एक तो यहाँ से दिखती है और एक हमको वहाँ से दिखती है. ओके, कैन यू सी इट नाउ? आपको वहाँ पर वो पूरी क्रीक दिख रही होगी. मेरे प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं बिकॉज मौसम बहुत अच्छा है. तो मौसम बहुत अच्छा रहता है तो प्लांट्स बहुत खुश होते हैं. मैं प्लांट्स से मिलवाती हूँ. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder. बाय द वे आज है संडे तो आज स्पेशल ये बनने वाला है. आज हम लोग बनाने वाले हैं बर्गर. तो मेरा बहुत दिन से ना बर्गर खाने का मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा बर्गर खाने का मन कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली बाहर का वो मैगडी वाला बर्गर मंगवाने में मेरी थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे. तो फिर मैं ढूंढ रही थी बहुत टाइम से, हमारे जो नीचे ग्रॉसरी वाले भैया हैं उनके पास बर्गर बन अवेलेबल नहीं था. तो फिर मैंने ना आज ऑनलाइन मंगवाया तो मिल गया हमको नेचर्स बास्केट में. अभी मैं वही बर्गर्स बनाने वाली हूँ. आलू टिक्की मेरे पास रखी हुई है. तो अभी मैं मस्त मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लिया है एंड जैसे मैं लिप बाम लगाती हूँ मैंने अपना लिप बाम भी लगा लिया है. तो आई ट्राइड दिस न्यू मॉइस्चराइजर विच इज़ बाय मामा अर्थ. ये है उपटन अल्ट्रा लाइट जेल एंड दिस इज़ अ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. तो यही मैंने अभी अपनी स्किन पे लगाया है. सो माई स्किन इज़ नॉट फीलिंग ऑयली एट ऑल, बट ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी, आप देख सकते हो कोई भी ऑयल नहीं है मेरे स्किन पे, बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही है, मतलब काफ़ी अच्छा शाइन आ गया है मेरे स्किन पे इसको लगाने के बाद. सो इसमें दो वेरियंट्स आए हैं, तो ये उपटन अल्ट्रा लाइट जेल आया है एंड दूसरा जो आया है वो आया है ये विटामिन सी लाइट जेल. विटामिन सी एंड एलोवेरा वाटर मिला हुआ है. ये जो मॉइस्चराइजर्स हैं ये एक तो ऑयल फ्री हैं, 24 आवर्स का मॉइस्चराइजेशन आपको देते हैं, साथ ही साथ क्विकली अब्सॉर्ब हो जाते हैं एंड बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है. एंड ये फेस एंड बॉडी दोनों पे आप इसको यूज कर सकते हो. जैसे समर्स में हम लोगों को हमारी बॉडी को बहुत हाइड्रेशन की जरूरत होती है, वैसे हमारी स्किन भी काफी डिहाइड्रेटेड हो जाती है एंड हमारा जो ग्लो है वो चला जाता है. तो इसलिए मॉइस्चराइजर लगाना समर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो ये जो मामाअर्थ के अल्ट्रा लाइट मॉइस्चराइजर्स हैं ये आपके स्किन को हाइड्रेट तो करेंगे साथ में जो पीएच लेवल है उसको भी रिटेन करेंगे. ये जो उपटन मॉइस्चराइजर है इसके अंदर टर्मरिक शिया बटर एंड साथ ही साथ सैफरन मिला हुआ है. ये एक तो आपकी स्किन में क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है, 24 आवर का हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ सन डैमेज को रिड्यूस करता है. मॉइस्चराइजर इतने अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है कि आप देख सकते हैं कोई भी स्क्रैच मार्क नहीं आ रहा है मेरे हैंड पे, इतने अच्छे से हाइड्रेटेड है. सो मामाअर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस. तो जब अभी अर्थ डे गया था तो मामाअर्थ ने अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने ये शो किया था अब तक 1,00,000 से भी ज्यादा ट्रीज जो है वो प्लांट करे हैं, 1135 मेट्रिक टन प्लास्टिक रिसाइकल किया है, 50,000 सैनिटाइजर्स एंड 20,000 जो मास्क हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे हैं कोविड हीरोज को. मामाअर्थ रिसेंटली अपना जो ऐप है वो भी लाइव किया है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. iOS एंड एंड्रॉइड दोनों की लिंक्स रहने वाली है. स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट पे. ऑल्सो मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल है नाइका, अमेजन एंड मामाअर्थ.in पर. गाइस हम आ गए किचन में और
और बर्गर जैसे भी मैं बना रही हूँ वो मैं बताती हूँ। तो मैंने दोनों की रेसिपीज देखी है, एक तो शेफ रणवीर ब्रार की देखी है और दूसरी मैंने कुणाल कपूर की देखी है। तो मुझे जो अभी ज़्यादा ईजी लगी है वो कुणाल कपूर की रेसिपी लगी है, बिकॉज वो वाली सारा सामान मेरे पास है। तो आई एम गोइंग टू ट्राई दैट आउट, मैं आज वो बनाने वाली हूँ। थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती हूँ मैं अपने तरीके से, होते हैं ना मसालों वसालों में हम हमारे हिसाब से थोड़े बहुत ट्विस्ट कर देते हैं। तो मैं किस तरह से बना रही हूँ वो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर टमाटो सॉस लिया है एंड उसमें हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं मेयोनीज, और अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए इसका कलर जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो एक सॉस हमने ये रेडी कर लिया है, दूसरा हम अगेन मेयोनीज लेंगे एंड साथ ही साथ हमने जो ग्रीन चटनी बनाई हुई थी पुदीने वाली वो ली है मैंने। और तब तक मैं गैस में ना जो आलू टिक्की मैंने बनाई थी उसको मैं फ्राई कर देती हूँ, और यहाँ पर तब तक मैं वेजीज़ जो हैं वो कट कर रही हूँ अकॉर्डिंगली जो जो वेजीज़ आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है पत्ता गोभी, अनियन एंड टमाटो, दैट्स इट। उसके बाद जो बर्गर बन है ये होल व्हीट बर्गर बन है, इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। इसके फ्रंट साइड में थोड़ा सा बटर लगा के मैंने इसको जो पैन होता है उसमें सेक लिया था। उसके बाद हम यहाँ पर जो मिंट चटनी है वो लगा रहे हैं एंड उसके बाद यहाँ पर हमने जो पत्ता गोभी का जो लीफ होता है वो रखा है। देन उसके बाद रेड चटनी है, मतलब इसके ऊपर जो सीजनिंग है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तीखा खाना है मीठा खाना है क्या खाना है आप, केचप टमाटो सॉस लगा सकते हैं, जो खट्टी वाली चटनी होती है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलू टिक्की रख दिया है, उसके ऊपर मैं चीज़ रख रही हूँ बिकॉज़ मुझे चीज़ वाला काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैंने टमाटो अनियन रख दिया है और थोड़ी सी आप सीजनिंग वगैरह भी डाल सकते हैं जैसे चिली फ्लेक्स वगैरह। तो ये हमारे जो बर्गर हैं ये रेडी है। ओके गाइस, सो बर्गर इज रेडी। खाने बैठ गई सच में अकेली, और उसके साथ साथ अभी गाना क्या गा रही थी बता जरा। मैं भी बीवी नंबर वन, कोई और तारीफ तो करता नहीं है तो खुद ही कर लो। मस्त। कल मैंने बोला था ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश आ सकती है, तो बारिश तो आई बट हम लोग जैसे ही मतलब मैं सो के उठी हूँ अभी, और सो के उठ के से ही मैं चीखी हूँ यहाँ किचन में देख करके। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ एग्जैक्टली। तो ये आपको दिख रहा है पूरा, मुझे नहीं पता कैमरे में दिख रहा है नहीं, पर ये पूरा गीला है, सॉल वेट, यहाँ पूरा पानी 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 पानी, ये सब पानी पानी पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली में हुआ ये देखिए, इसमें पानी भर चुका है ये, और जो एग्जॉस्ट है ये ऐसे टपका हुआ था, इस तरह से टपक चुका था, और यहाँ पर जो नल लगा हुआ है ना इसके शायद ये तेजी से टपका है, जो भी हुआ तो वो नल ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, और ये इतना तेजी से पानी पूरा यहाँ तक आ गया, पूरे में बह गया है, हमने आधा निकाला है इसको। तो कुछ नहीं, अभी सुबह से हम लोग वही काम कर रहे हैं, तो विक्की वहाँ पर ना तार लगा रहा है, मतलब ये जो कल धुले हुए बर्तन थे ये सब गीले हो गए फिर से। एकदम सही हवाई हवा, हवाई हवा हो रखी है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, ये देखिए बाहर का वेदर, ड्रिजलिंग हो रही है, अभी तो तेज पानी नहीं आ रहा है बट बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ, प्लांट्स एकदम ऐसे खिल से गए हैं, ग्रीन ग्रीन हो गए, और यहाँ पर भी नीचे बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, मिट्टी मिट्टी हो गई है पूरे में। और अभी तो मैं सो के ही उठी थी, मतलब मैंने लिटरली कुछ नहीं किया है, बस सिर्फ ऐसे होता है ना विंडो खोलने के लिए एक बाहर चक्कर मारते हैं, और वो चक्कर मारने में मेरी एकदम नींद खुल गई वो देख करके किचन का हालत। तो अब मैं फटाफट से जाती हूँ और उसको थोड़ा क्लीन करती हूँ, अभी तो बारिश हो रही है तो उसमें जो हम लोगों ने जो रनर बिछा के रखा है उसको भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ डालूँ, क्योंकि इसमें से पानी ऐसे तर बदर हो रहा है। Today I also got these dry loofahs. ये है all natural fibers, no plastic loofah. तो जो मेरे पास एक आया था ब्रांड की तरफ से आया था वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया है। बहुत ही सही है, मतलब इससे शावर लेने में इतना मज़ा आता है, क्या घिसाई हो जाती है बॉडी की, एकदम स्क्रबिंग होती है प्रॉपर तरीके से। सो बहुत सही है, बहुत सही। ओके गाइस, तो आज विक्की ने बनाया है आलमंड मिल्क, और मैंने वहाँ से कुछ फ्रेम्स निकाल दिए क्योंकि नहीं, क्योंकि ये बहुत तेज हिल रही थी। ये देखिए दोस्तों, आंधी तूफान के साथ हो रही है, हाँ बारिश हो रही है मस्त तरीके से, हमारे तो यहीं भी बारिश हो रही है। बकरी बोली। तो ये हैं मेरे सारे आलू के पराठे, एकदम प्रॉपर आलू के पराठे बनते हैं बिना फटे। तो हमारे पास कुछ पाव रखे थे एंड विक्की डिसाइडेड टू मेक भाजी, तो वही रेसिपी अभी शेयर कर रहे हैं। एक पैन रखा है, उसमें ऑयल लिया, बटर लिया और काफ़ी सारा
कड़ी पत्ता लिया है एंड साथ में जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्ची का जो पेस्ट होता है वो इसमें डाल दिया है एंड चॉप्ड अनियंस डाल दिए हैं। ये पूरी रेसिपी विक्की बना रहा है, मैं सिर्फ वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है, मैं अभी देख भी फर्स्ट टाइम रही हूँ, मैं तब किचन में भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर तीन वेजीज कट करी हैं, एक तो फूल गोभी दिख रही है मुझे, बीन्स दिख रहे हैं और कैरेट दिख रही है, थोड़ा और हमने बटर डाल दिया है मतलब विक्की ने, एंड इस तरह से मिक्स कर लीजिए आप बटर को अच्छी तरीके से। अनियंस सारे हो चुके हैं, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके शायद पहले कैरेट डालना है, उसके बाद कैरेट के बाद आई थिंक ओके बीन्स भी डालना ही है, ठीक है। तो कैरेट डालना है, बीन्स डालना है एंड जितनी भी सब्ज़ी है वो सब एक साथ आप डाल सकते हैं एंड उसको अनियन के साथ अब पकने देना है। नाउ अब आप यहाँ पर टर्मरिक पाउडर एंड थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा कुक होने दीजिए। तो ये सीजनिंग के लिए स्प्रिंग अनियन कट हो रहा था और तब तक मटर भी छीले जा रहे हैं एंड साइड में जो आलू पराठे के लिए हमने बॉयल पोटैटो करे थे वो बच भी गए थे, तो यहाँ पर बॉयल पोटैटो रखे हुए हैं। जब सारे मटर आप अच्छे से छील लें एंड ये ज़रूर देख के छीलेगा कि उसमें कोई कीड़ा वीड़ा ना हो, तो आप इसमें मटर भी ऐड कर दीजिए एंड मटर ऐड करने के बाद थोड़े से बॉयल पोटैटो ऐड कर देना है और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और मैं ये चीज़ बताना भूल गई, इसमें सॉल्ट ऐड किया था तो पहले ऐड कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी मिला दिया है और इसको हम फिर से मिक्स कर रहे हैं और अब इसको आई थिंक कवर करके कुक होने देंगे। It really makes me wonder. अब यहाँ पर टमाटो प्यूरी ऐड करी है और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे एंड इसको हम कुक होने देंगे। तो यस अब आया है हमारा हीरो इंग्रेडिएंट जो है एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला। उसको ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से स्मैशर की हेल्प से स्मैश कर दीजिए। ये नहीं हो आपके पास तो आप स्पून से भी कर सकते हैं, वो जो चमचा होता है उससे भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ये रेडी हो चुकी है। अभी इसमें भर भर के थोड़ा और बटर डाल दीजिए ताकि इसका टेस्ट जो है वो और दुगना हो जाए। और यस ये बन चुका है पाव भाजी बाय शेफ विक्की। ये हमारी पाव भाजी तैयार हो चुकी है। सब्जियाँ जितना धीमी आंच पे जितनी ज़्यादा देर पकाओगे बेस्ट टेस्ट उसी में आ जाता है। चीज़ें एक 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 करके जो नॉर्मली अपन डालते हैं वही है और थोड़ा चटपटा स्वाद के लिए आप चाहो तो इसमें नींबू अच्छे से निचोड़ के डालना, बहुत शानदार टेस्ट आएगा। तो अभी मिलते हैं टेबल पर खाना खाते समय। ओके गाइस, सो आई जस्ट टुक शावर एंड मैंने मुश्किल से 10 मिनट के लिए ये जो टाल है माइक्रोफाइबर ये लगा के रखा थी। मैंने अमेजन से परचेज़ किया है बाय द वे, मैं इस वीडियो में भी लिंक डाल दूंगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था तो मैंने वीडियो में तो लिंक डाल दिया था। सो इट इज़ अ माइक्रोफाइबर टाल जो कि जिससे बाल इतने जल्दी ड्राई हो जाते हैं, मतलब यहाँ का तो मेरा ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, पीछे का भी गीला है, तो मैं अभी थोड़ी देर और इसको बांध के रखूँगी, मतलब विद इन हाफ एन आवर में ये आपके बालों को एकदम ड्राई कर देता है। इट माइट पॉसिबल क्योंकि मेरे बाल अब छोटे हैं तो इसलिए भी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और मैं बाहर की बारिश आपको दिखाती हूँ, अच्छी तेज बारिश है, डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट, काफी तेज है। ओके गाइस, तो अभी जो मेरे बाल हैं ना वो एकदम से ऐसे ड्राई नहीं हुए हैं क्योंकि वेदर इस तरह का हो रखा है, तो थोड़ा सा मैं ड्राई होने दूंगी, मैं ब्लो ड्राई नहीं करूंगी अपने बालों को, ड्राई होने दूंगी। और क्या कलर्स लग रहे हैं, येलो उधर पीछे, येलो ऑरेंज, ऐसे कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। सो अभी तब तक मैं थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करूंगी अपने व्लॉग की। और आज मुझे ब्रांड वीडियो शूट करना है, एक ब्रांड वीडियो शूट करना है, हॉल करना है, वहाँ सामान रखा हुआ है। और अभी जो है अपडेट, वेदर काफ़ी बेटर हो गया है तो एडिटिंग कर रही हूँ थोड़ी देर, और जब शूट करना स्टार्ट करूँगी, मतलब एक्चुअल वीडियो जब मैं शूट करना स्टार्ट करूँगी तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना जो वीडियो है शूट करना, वो मेरी एडिटिंग हो चुकी है। पहले मैं सोच रही थी ब्लॉग अभी लाइव कर दूँ, बट अभी 4 बज चुके हैं तो यूजुअली मैं 4 बजे ब्लॉग लाइव करती नहीं हूँ। और यस, ये मेरा सेटअप है बाय द वे, जो कि इस वाले कैमरे में तो सही से नहीं पकड़ रहा है ये। यहाँ पर मैंने आज रिंग लाइट यूज़ करी है, मैं यूजुअली इतना रिंग लाइट यूज़ नहीं करती हूँ। और ये मेरा जुगाड़ू माइक है
ये विक्की ने इस तरीके से फिट करा हुआ है ना, कोई हमने जो वो होते हैं ना जो आते हैं एक्चुअली में कोल्ड शू वगैरह वो नहीं लगाया है, जुगाड़ किया है, बहुत सही तरीके से फिट है। मैं इनफैक्ट इसको ले ले करके घूम के व्लॉगिंग भी कर रही थी, तो ये मैंने लगाया है और बाहर का वेदर बहुत शानदार हो रखा है। लिटरली अभी सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या पहनूँ, मैंने डिसाइड भी नहीं किया है, तो कुछ ऐसा कलर पहनते हैं जो अच्छा लगे। तो बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आई विल स्टार्ट फर्स्ट माई मेकअप, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लाउड कलर का टॉप पहनने वाली हूँ, तो मैं कुछ भी आई मेकअप नहीं करूँगी। मैं सिर्फ अपना कॉम्पैक्ट लगाने वाली हूँ, थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी एंड डार्क लिपस्टिक लगाऊंगी। तो मैं मेकअप आपको दिखा नहीं रही हूँ, मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass. So I'm all done, ready, और अब मैं फटाक से चेंज करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाई एवरीवन, नमस्ते। तो मैं सिर्फ वीडियो को अभी फिल्म कर रही थी एंड इतनी तेज आवाज आ रही है इस विंडो में, ऐसे भड़बड़ भड़बड़, जैसे कोई अंदर से विंडो को धक्का मार रहा है, इतनी तेज आवाज आ रही है, मतलब स्कैरी हर टाइप का नहीं लग रहा है, बट जब ये ऐसे आंधी तूफान और ये सब चलता है ना और ये विंडो ज्यादा हिलती है तब डर लगता है, वैसे अंदर रहो तो इतना पता नहीं चलता है। हेलो गाइस, सो अभी बज रहे हैं 8:30, तो अब खाना वाना खाएंगे हम लोग। एक्चुअली शाम को हमने थोड़ा हैवी स्नैक खा लिया था, तो अभी भूख नहीं लग रही है और बाहर की सिचुएशन देखते हैं क्या है। अभी थोड़ी कम आवाज़ आ रही है मुझे, हवा की जो साए साए आ रही थी ना एकदम डरावनी वाली, वो थोड़ी कम हो गई है। दिख रहा है आपको पीछे, थोड़ा शांत हुआ है। मुझे तो यही लग रहा है कि बाप रे गुजरात में पता नहीं क्या ही होगा, भगवान करे सब ठीक हो। सो Look at this. तो यह सिचुएशन अब थोड़ी बेटर है, बारिश कम हो गई है। तो अभी का जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है, वो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी मुझे अपना ये जो मेकअप है ये भी क्लीन करना है। सो यस, हाँ, आज का वीडियो जो है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, स्टे सेफ गाइज।